इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अब ये लागू हो जाएगा, इसमें ऐसा क्या है कि पूरा विपक्ष बौखला गया? वो असदुद्दीन ओवैसी को लोग लेकर के टीवी चैनल को लगा कुछ नहीं तो इसी का बाइट चलवाएं, वो भड़काऊ भाईजान उसे क्यों छुरमुत्ती लग गई इससे? मनीष जी, अगर ये लागू हो जाता है ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो जरा गौर करिए कि 2029 के जो चुनाव होंगे वो 543 सीटों के लिए नहीं होंगे। वो भी आ चुका है कि 27 में संभवतः गणना कराने का मूड बना रही है सरकार, 2027 में गणना करा लेंगे और उसके हिसाब से नए परिसीमन होंगे और नई सीटें होंगी। और इसीलिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद बनवाई है, कि वहां पर जो सदस्यों की संख्या होगी वो करीब 700 के आसपास होगी। कितनी होगी तो एग्जैक्ट तब आएगा जब परिसीमन हो जाएगा, तो वो नए परिसीमन के साथ नई संख्या के साथ और ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये काम ये मनीष जी भारत के भाग्य को बदलने वाला एक तरह से फैसला होगा। भारत के भविष्य को, जो आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए ये क्या अमृत होगा ये फैसला, ये तो अभी हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन जरा गौर करिए कि आप उस भड़काऊ भाईजान की बात कर रहे हैं, वो तो इन बेशर्म न्यूज चैनलों को, मैं तो क्या कहूँ, बेशर्मी निकलता है मेरे मुंह से कि इनको उसकी राय लेने की क्या जरूरत थी। एक अकेला वो है सांसद और मेरे ख्याल से वो जो 700 हो जाएंगे तब भी वो अकेला ही रहेगा, उसकी कहीं सीट वीट नहीं बढ़नी, क्योंकि वो कोई अलग से तो कोई लोग आज नहीं जाएंगे, अलग से कोई वोटर नहीं जुड़ेंगे, यही वोटर रहेंगे क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई है, तो इनको थोड़ा और बांटा जाएगा, तो ये 543 से ये 700 725 जो भी संख्या आएगी उनमें बढ़ जाएगी, तो इन्हीं में से सीटें निकलेंगी और वहां उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सबसे पहले उसी के पास पहुंचे उसकी राय लेने के लिए, तो ये तो आप इससे समझ लीजिए ओवैसी जिस चीज को मना कर रहा है तो वो क्या उसकी क्या उसके जो मना कर रहा है उसके इनकार के पीछे क्या वजह हो सकती है या वो कितना सकारात्मक सुझाव दे रहा है, लेकिन उसको तो छोड़ दीजिए। मनीष जी, मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी, हम एकदम खिलाफ हैं, एकदम ये सिरे से उसको खारिज कर दिया, सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस, उसके लिए सुनने को तैयार नहीं है। जितने विपक्षी पार्टी वो आम आदमी पार्टी उसने कर दिया, हमने यानी जो इंडी गैंग है वो कतई सुनने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तक कि वो जो लालू का लड़का आया था वो भी उसका एक दूत बैठा था, उसने भी कहा कि हम इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो विपक्ष है इसने पूरी तरह से तार ठोक ली है। लेकिन मनीष जी, इन लोगों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज मैं सुन रहा था हरीश सालवे को, दर्शकों को बता दूं कि वो केवल वकील ही नहीं है, वो इस कमेटी में जिसने 18,000 पन्ने की रिपोर्ट मनीष जी जारी की है और वो रामनाथ कोविंद ने मार्च में सौंपी थी सरकार को चुनाव से समझिए कुछ दिन पहले, उस कमेटी के वो मेंबर थे और एक तरह से आप उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कह सकते हैं कि उन्होंने ही ड्राफ्ट किया होगा। और उनकी जो मैंने बातचीत सुनी उसके बाद एकदम स्पष्ट हो गया कि कहीं किसी प्रकार का कोई अड़ंगा है ही नहीं। तो ये मूर्ख जो है, उन्होंने कहा कि अरे पहले सुन तो लो, इस पर बहस तो कर लो, और जहां तक पास होने की बात है तो मेरे ख्याल से 10 साल के जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है सबसे ज्यादा अगर कठिन अग्नि परीक्षाओं की होगी तो इसी बिल में होगी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको जो संविधान संशोधन के लिए आवश्यक सदस्य है उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। और पूछा गया हरीश सालवे से तो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है कि इनको 70 से 80 सदस्य अतिरिक्त चाहिए होंगे, तो वो सरकार कैसे करती है ये तो सरकार को देखना है, हम लोगों ने तो कमेटी बनाकर अपना एक प्रस्ताव दिया है, ये इस तरह से हो सकता है और हो सकता है कि ना पास हो। उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हो सकता है ये ना पास हो, लेकिन दुर्भाग्य होगा देश का, लेकिन अगर इस तरह से अड़े रहेंगे तो नहीं पास होगा। लेकिन ये बात तो तब तय होनी चाहिए जब इस पर बहस हो जाए, जब ये सामने रखा जाए, ये पूरा ड्राफ्ट हो, इसको पढ़े लोग और उसके बाद बात करें, तब समझ में आता है। इस तरह से अंध विरोध का कोई मायने नहीं है। तो सबसे खास बात यह है कि इन्होंने मनी जी 18,000 पन्ने, अगर 180 पन्ने होते तो भी मुझे जरा शंका होती कि किसने पढ़ा, और अभी किसी ने उसके बारे में जाना नहीं है कि वो तो रिपोर्ट किसी को सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि मैं कुछ बातें बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी वो सार्वजनिक नहीं हुई है, तो मैं भी उसके निष्ठा को एक तरह से प्राइवेसी को खत्म नहीं करूंगा, लेकिन वो रिपोर्ट जरा सामने रखी जाए और पूरा देश इसको पढ़े इसको जाने, उसके बाद आप कोई फैसला करें, तब समझ में आता है। और कह जो जो मेन लेकर जो मुख्य समस्याएं हैं उनका समाधान उन्होंने बताया कि हमने क्या सुझाव दिए हैं। एक मनीष जी ये है कि अगर बीच में सरकार गिर गई तो क्या होगा, ये मेरे मन में भी था कि अगर बीच में सरकार गिर गई तो आप कैसे फिर उसको लाओगे लाइन पे कि उसी तारीखों पर चुनाव हो,
तो उन्होंने उसका बड़ा सीधा सा बताया कि अब हमने ये प्रावधान उस पर रखा है कि अगर मान लीजिए सरकार बनती है और 2 साल या 3 साल बाद गिर जाती है, तो जो चुनाव होंगे मध्यावधि चुनाव होंगे उस सरकार के, और उसके बाद सरकार भी बनेगी लेकिन वो 2 साल के लिए बनेगी, यानी जितना उसका समय बाकी है गिरी हुई सरकार का जो कार्यकाल है उसके लिए होंगे, वो ऐसा नहीं कि फिर अगले 5 साल बाद होंगे, ऐसा नहीं होगा, वो चुनाव जो है 2 साल के लिए होंगे। और इसका जो लाभ उन्होंने गिनाया मनीष जी वो ये था कि क्या सबसे खास बात यह है कि जब गिराने जो सरकार को ना कोई गिराता है कोई दल, क्या जब उसको भी मालूम होगा कि ये 2 ही साल के लिए हमको मिलने वाली है सत्ता, तो क्या फिर लोग सरकार को गिराएंगे भी नहीं, उससे चलेगी सरकार और अपने टाइम पर चुनाव होंगे। तो एक तो बड़ा जो सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल था, उस सवाल को तो उन्होंने वैसे ही हल कर दिया कि कोई मतलब नहीं है, वो आपको चुनाव जो सिस्टम बनेगा उस पर कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो मनीष जी जो विरोध कर रहे हैं खासकर कांग्रेस, और कांग्रेस का तो वो कांग्रेस का एक प्रवक्ता है, वो अपने बीबी की बीबी नौकरी कर रही है, वो आ जाता है नेतागिरी करने में, नाम नहीं लूंगा दर्शक समझ जाएंगे, वो पता कहीं ये तो जाहिलियत की बात कर रहा है, कहीं ये जाहिलियत ये जो है ये जाहिल पने का बिल लेकर आए हैं। तो उससे जरा पूछा जाना चाहिए था कि जब से चुनाव शुरू हुए 1950 से और 1950 से 1967 तक ये एक ही समय में होते थे चुनाव, लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव, तो क्या नेहरू जाहिल था? ये जो बताते कह रहे पंडित जी बड़े काबिल थे, पंडित जी को बराबर अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं था, तो इनको क्या तमीज नहीं है? ये बताया कि क्या नेहरू जाहिल था क्या? तो ये दोगले जो जब ये दो मुहा सांप वाला रूल करते हैं तो ये खुद अपने आप में नग्न हो जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। और जो मेन मनीष जी इनको आग लगी है, अब आता हूं असली मुद्दे में जो आपका सवाल था, ये जो विपक्षी परेशान क्यों हैं, ये मनीष जी इनको इनके पास अब तक की इनकी राजनीति जो हम लोगों ने देखी है 90 से और अभी तक, यानी 34 साल हो गए देखते हुए, चाहे वहां वो लालू यादव हो और चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपी में समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल, इनको कभी आपने कोई देश से संबंधित कोई एजेंडा इनका देखा कि कोई बड़ा सकारात्मक एजेंडा लेके आए हो, कोई इन्होंने ऐसा काम सुझाव दिया हो जिससे देश का भला हो? नहीं दिया, 34 साल में नहीं दिया इन्होंने। लालू यादव तो खैर 5 बार का सजा याफ्ता ही हो गया, और ये मनीष जी केवल डग्गा मारी करते हैं चुनाव के बहाने, लोगों को बहलाया करते हैं, लोगों को फुसलाया करते हैं, तो इनको एक समझिए 5 साल में 3 बार तो ये मौका लेते ही लेते हैं, एक लोकसभा चुनाव में लेते हैं, एक विधानसभा चुनाव में लेते हैं, और तीसरा ये लेते हैं जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निगम के और या उसके आप पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो 5 साल में 3 बार चुनाव लड़ते हैं। ये 3 बार चुनाव यानी 1.5 साल रख लीजिए तो 1.5 साल में चुनाव लड़ते हैं, और एक चुनाव ये हार जाते हैं तो अगले 1.5 साल उस दूसरे चुनाव में जुट जाते हैं। तो इनको सिवाय चुनावबाजी करने के और कोई फायदा नहीं है, और ये वही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनके एक साथ जो प्रधानमंत्री मोदी का अभियान है इसमें दर्शक जरा समझे कि उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ और उसके 100 दिन के अंदर वो स्थानीय निकाय के भी चुनाव हो जाएंगे, यानी उसकी वोटिंग अलग होगी लेकिन उनके चुनाव भी एक साथ ही हो जाएंगे, 100 दिन के अंदर पूरे देश का चुनाव निपट जाएगा और अगले 5 साल केवल देश की बात होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, देश हो प्रदेश हो वहां की सरकारें चलेंगी। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये उस मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे कि इसमें इनको आपत्ति क्यों है। ऐसा तो है नहीं कि इनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया जाएगा या तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, यही तो कहा जा रहा है कि चुनाव 5 साल बाद होंगे, चुनाव लड़ना तुम 5 साल बाद लड़ो, लड़ लो यहाँ 2-3-4 महीने में, उसके बाद फिर 4-5 साल बाद लड़ लेना। तो ये कह रहे नहीं हमको लगातार चुनाव लड़ना है, ये लगातार चुनाव लड़ने के चक्कर में है, यानी खुद भी उलझे रहेंगे, जनता को भी उलझाए रहेंगे और देश पीछे जाएगा तो चला जाए। और जरा दर्शक इस पर और समझे मनीष जी, जो उसका डाटा आया है कि जरा 1951 में जो चुनाव हुआ था उसमें 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये उस समय का डाटा है, और आज की तारीख में जो 2019 का चुनाव है उसकी पूरी फिगर है, अभी मेरे ख्याल से 24 की नहीं आई है, कि वो 10 करोड़ रुपए वो बढ़कर मनीष जी 2019 में 55-60 हजार करोड़ रुपए हो गए थे, कोई तुलना ही नहीं हो सकती, यानी 5,000 गुना 5,500 गुना ज्यादा रकम खर्चा हुई थी। तो 55-60 हजार करोड़ रुपए 2019 में खर्च हुए। तो मैं बता दूं दर्शकों से, अभी दिखाने का मतलब नहीं, आप लोग जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, मैंने वो खबर भी लगा दी है। तो और अब की ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी आया नहीं है उसकी आखिरी फिगर, कि अब की वो अनुमान जो है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब बैठ रहा है मनीष जी। ये जरा
समझिए। और ये 1 लाख करोड़ भी मनीष जी मान लीजिए कि चलिए जनसंख्या बढ़ी ये हो गया, लेकिन जो दूसरा अनुमान जो विशेषज्ञों ने है उन्होंने लगाया है कि 1 लाख करोड़, तो ये मैं बता रहा हूँ केवल आपको लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद जो प्रदेशों के चुनाव होते हैं तो घुमा फिरा के करीब करीब उनमें भी उतना ही खर्चा होता है। तो 1 लाख करोड़ तो आपके सीधे बचेंगे और ज्यादा बचेंगे। उसका कारण जरा और समझिए कि अब की जो 2024 का चुनाव है उसकी जो फिगर है, पैसों की तो नहीं है, कि 20 लाख मनी जी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इस पे लगे हुए थे। 20 लाख, तो कल्पना करिए, जरा कल्पना करिए उनका खर्च, आप सोचिए उनकी तनख्वाहें सोचिए, उनके दो कम से कम 2 महीने तो आप मान ही लीजिए कि 2 महीने तो वो व्यस्त रहते ही हैं इसके अंदर, तो केवल 2 महीने की तनख्वाह अगर आप जोड़ लीजिए उन जो 20 लाख जो है प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो उसमें व्यस्त रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, और करीब करीब 3 से 4 लाख जो है सुरक्षा बल जो सिपाही होते हैं वो तैनात करने पड़ते हैं, तो आप कहाँ पहुंचता है हमारा खर्चा। लेकिन इनको ये इस बात पर, इस मुद्दे पर ये बात ही नहीं कर रहे, और ये केवल बात कर रहे कि नहीं नहीं हम किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनको आग क्यों लगी हुई है ये बताए ना कि इनको किस बात पे आपत्ति है। और वही बात आज हरीश सालवे ने कही कि आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, मैं इसको मान लूंगा कि आपने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन जरा पढ़ने के बाद ये तो बताओ कि तुमको किन मुद्दों पर समस्या है, किन मुद्दों का तुमको समाधान समझ में नहीं आ रहा, और किन मुद्दों का समाधान तुम चाहते हो। तो ये करने के बजाय अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है सामने, और इन्होंने पहले से नाचना गाना शुरू कर दिया कि हम जो है इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये मनीष जी दर्शकों को समझने वाली बात है, और मेन अभी उसमें बताऊंगा जो बाद में जो अंत में हरीश सालवे ने कहा वो बहुत गजब की बात कही है। जो वो आम आदमी को समझाना, हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि वो दर्शकों आम आदमी इस देश का समझे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होना है, और उसको ये लोग नहीं होने देकर कितना बड़ा नुकसान देश का भी कर रहे हैं और उस आदमी का भी कर रहा है। अभी एक दूसरा मुद्दा तो रही जाएगा मनीष जी, वो अभी बताता हूँ। तो जरा उस पर मनीष जी जो हरीश सालवे ने अंत में कहा है, और मुझको जो हरीश सालवे की बातचीत लगी है, जो उनकी भाव भंगिमा लगी, तो उसमें मुझे मनीष जी एक तरह से वो निराश लगे। मैं बड़ा वैसी बात कह रहा हूँ कि उनको लगा, मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि उनको संभवतः ये उम्मीद नहीं है ये बिल पास होगा, क्योंकि 70-80 सांसद चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को उसको पास कराने के लिए, और संभवतः वो संख्या नजर नहीं आ रही फिलहाल अभी संसद के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि वो कैसी बात करते हैं, कि किस तरह के क्षेत्रीय दल उनके साथ आते हैं, या कितने क्षेत्रीय दलों को वो अपने साथ लेकर आते हैं, या ये वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने एक फायदा जरूर बताया, लेकिन वो मनीष जी वो भाजपा के ऊपर निर्भर करेगा, पार्टी के ऊपर, कि ये बिल पास होता है तो और नहीं पास होता है तो। ये कम से कम जब ये रख के चर्चा होगी, इसकी सदन के अंदर चर्चा होगी, देश इसके बारे में जानेगा, उसके बाद कहें फैसला फिर देश करेगा कि इस बिल को पास ना होकर, ना होने देकर विपक्ष ने उनका फायदा कराया है या नुकसान कराया है, और उसी में फिर आगे के चुनाव होंगे। और ये चुनाव, अगला चुनाव जो होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन पर ही होगा, और ये अब ये इनको तय करना है कि ये उसके साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, और जनता को ये तय करना है कि ये उसके साथ खड़े होते हैं तो अच्छा करते हैं या नहीं खड़े होते हैं तो अच्छा करते हैं। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था कि हर 1.5 साल 2 साल बाद पर इलेक्शन होते थे, आपको याद होगा वो 90 के दशक का पूरा दौर इसी में बीता। पूरा 90 का दशक जो है वो कितने चुनाव हुए, 89 में, 91 में, फिर 96 में, 97 में, 98 में, 99 में, और ये सिलसिला चलता रहा। नहीं नहीं मनीष, अभी वही स्थिति है। अभी मैं याद बता दूं, ये तो मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूँ, और इससे होता क्या रहा, स्कूल हमेशा बंद रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षक को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, पूरा शिक्षा तंत्र आपको चौपट हो जाता है, अरबों रुपए की खर्च की वजह। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये भड़काऊ जहरीला जो है, जिसको भड़काऊ भाईजान कहा जाता है, ये सब जिहादियों को क्या समझाएगा, इसमें क्या इस्लामिक मुद्दा ढूंढेगा, कट्टरता क्या ढूंढेगा इसमें, क्योंकि उसका तो और दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहता, उसे देश समाज से तो कोई लेना देना है नहीं। नहीं नहीं, कट्टरता का तो इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ये ढूंढ पाएगा उसमें। सबसे पहले पूछ उठा के वही कूदना क्यों शुरू कर दिया? नहीं देखिए, वो नहीं पूछ, देखिए मैं इस जगह पर उसको दोष नहीं दूंगा, वो पूछ उठा के कोई दौड़ दौड़ के वो न्यूज रूम नहीं आता, वो कहीं चैनलों के दरवाजा नहीं खटखटाता,
ये उसके दरवाजे जाते हैं, ये उसके दरवाजे जाते हैं कि आपका क्या कहना है इस पे। और फिर वो जहर उगलता है, उसका तो अपना वो सेट एजेंडा है, बिल्कुल टेप रिकॉर्ड की तरह वो बचता है। तो उसको एक तरह से लाने वाले, उसको टेलीविजन पे प्रस्तुत करने वाले, उसको देश के मुसलमानों का नेता बना के प्रस्तुत करने वाले, वो तो ये न्यूज चैनल है मनीष जी। वो थोड़ी आता है कि आओ मुझको दिखाओ या मेरा इंटरव्यू करो या मुझको मुझको अपनी अदालत में बैठा लो, ये कभी नहीं करता। ये उसको घेरते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि वो जहरीला बोलेगा और इनको टीआरपी चाहिए। भले देश जाए सत्यानाश हो जाए, देश का देश बाढ़ में चला जाए, देश में आग लग जाए, लेकिन इनको आग उगलते हुए बयान वाला नेता ही पसंद है। और ये उसी तरह के नेताओं को ये बुलवाते हैं, उन्हीं से रोज ये काम कराते हैं, वो उनका सर्वोपरि है, तो उसके उसके दरवाजे जाके बाइट लेते हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि मनीष जी वो क्या बोलेगा या क्यों बोलेगा या क्यों बोल रहा है, मुद्दा तो मनीष जी ये है कि उसके पास अब की कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। तो अब वो आया है कि वो डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जाएगा। और एक अलग खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि हर बार चुनाव होते हैं, लगातार चुनाव होते रहते हैं। तो मतलब उसका बेसिर पैर की उलूल जुलूल बातें वो आदमी कर रहा है कि एक खूबसूरती देखने के लिए वो देश का सत्यानाश करने पे उतारू है। 1,00,000 करोड़ की चोट लगेगी। और जो सबसे खास बात है मनीष जी, 1,00,000 करोड़ नहीं, वो कई लाख करोड़ रुपए महंगी पड़ती है देश को। जो आपने आचार संहिता की बात की, जो आपने कहा वो कॉलेज बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद रहते हैं या और अन्य चीजें होती हैं, बंद रहते हैं, पूरा का पूरा देश का स्कूल बंद हो जाता है। कि वो भी एक अनुमान आया है कि अगर आप राज्यों के जो अलग अलग चुनाव होते हैं उनकी आचार संहिता के जो लग जाती है 1 महीना दो तीन महीने पहले, या जो लोकसभा के चुनाव की तो लगती ही लगती है, कि वो अगर पूरा कैलकुलेट करके जोड़ा जाए तो कम से कम मनीष जी 2 साल, वो 2 साल की अवधि है कि जिसमें आपको आचार संहिता में ही आपके गुजरते हैं। और केंद्र में तो कोई सरकार इस तरह का फैसला कर ही नहीं सकती जो जनहित से जुड़ा हो, क्योंकि जो केंद्र में सरकार होती है वो वहां चुनाव लड़ रही होती है या वो वैसे ही एक तरह से उसमें हिस्सेदार होती है। तो आप समझिए 5 में से 2 साल तो वो केवल इस बात पे खत्म हो जाते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, कोई काम नहीं होता, सिर्फ रूटीन वर्क होता है। तो एक सरकार का जो 5 साल है उसको केवल 2 साल आप इसमें निकाल दीजिए आचार संहिता की नौटंकी में, तो वो 3 साल काम कर पाती है। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि नहीं हम यही चाहते हैं कि आप 3 ही साल काम करो, वो 2 साल को ये बड़े प्रसन्न है उस पे। तो क्योंकि इनको ना काम करना है ना इन्होंने कभी किया है, तो ये आगे भी उसी टाइप का चाहते हैं ताकि इनका राजकाज इसी तरह चलता रहे, इनके परिवार इसी तरह पलता रहे। और चलिए इसके तो भी हम लोग बात करेंगे बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मुफ्त में बांटना, मुफ्त में इन सब चीजों का उपलब्ध होना पूरे देश में, और इसमें कमाई आमतौर पर माफियाओं को ही होती है। मैं मनीष जी, मैंने 1,00,000 करोड़ रुपए जो बताया, कोई 1,00,000 करोड़ रुपए वही रुपए हैं जो इस तरह से जाते हैं, नंबर 2 में जाते हैं, और टोटल 100% वो काला धन होता है। ये सबसे समझने वाली बात है, सबसे समझने वाली बात है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इनको बेचैनी इस बात को होगी, देखिए कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, 74 साल। और एक मनीष जी और छोटी सी बात बता दूं कि जरा आप समझिए कि पैरेलल कितना पैसा बचेगा, कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था 2022 में, उसका आंकड़ा है कि रफ आंकड़ा है कि उस चुनाव को में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अगर ये साथ होते तो ये 6,000 करोड़ रुपए कोई मतलब नहीं रह जाता, वो एक तरह से उसमें 1,000-2,000 करोड़ आप जोड़ लीजिए, वो पैसे बचेंगे और इस तरह से पूरे देश के बचेंगे। और इन सबसे महत्वपूर्ण, मैंने कहा पैसे तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इतना समृद्ध कर दिया है देश को कि उसके लिए 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपए मायने नहीं रखते अगर आप बात करें 5 साल के अंदर। लेकिन मनीष जी, जो 2 साल की आचार संहिता का जो दंश झेलना पड़ता है, ये देश को कम से कम 5 साल पीछे करता है ये हर बार। मैं इस पे आ रहा था कि जब 74वां जन्मदिन था प्रधानमंत्री का कल, तो मैं देख रहा था कांग्रेस का रिएक्शन था, कब तो 75 के हो जाएंगे, उनको तो प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। क्या इस बिल के पेश करने से ये नैरेटिव भी जा रहा है कि इसका मतलब 2029 का चुनाव मोदी की अगुवाई में होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा, इतना बड़ा फैसला वो ले रहे हैं। इनकी बेचैनी इस बात को लेकर भी लेकर होगी, इतना बड़ा फैसला और दूरगामी की संसद यदि बनाया उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, तो संख्या भी वो निश्चित रूप से बढ़ाएंगे ही। ये साफ दिख रहा है कि मोदी का ये सबसे बड़ा इसका मतलब प्लान है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब ये संसद में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाना, ये सब कुछ अपने दौर में कर लेना चाहते हैं। इनकी बेचैनी इस बात को भी लेकर है कि यदि 2029 में भी इस आदमी के नाम पे चुनाव होगा तो फिर कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है।
नहीं मनीष जी, वो तो अगर याद हो आपको तो हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी किया था। गृह मंत्री अमित शाह मेरे ख्याल से चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अगले 10 साल और इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम 10 साल रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कह दिया, जिनकी अभी आपने याद दिलाई जिस कार्यक्रम की, कि वो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्यक्रम था जिसमें जज वगैरह आए थे पूरे देश से, उसमें मेरे ख्याल से वही प्रोग्राम था, जजों का ही प्रोग्राम था या फिर कोई इंजीनियरों का कोई प्रोग्राम था, दिल्ली में ही उन्होंने कहा कि आपके आपके इस कार्यक्रम में 5 साल बाद भी मैं ही आऊंगा, यानी 2029 में मैं ही आऊंगा। तो वो मैं ही आऊंगा तो यानी प्रधानमंत्री आएगा, सीधी सीधी बात ये थी। तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले साफ कर चुके कि 2029 तक उनको रहना है और 2029 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो चौथी बार भी शपथ लेने की तैयारी वो कर रहे हैं। तो ये जो मूर्ख हैं, ये धूर्त हैं, ये पता नहीं कौन सा दिन में सपना देखा करते हैं, या ये जब इनके मतलब की बात नहीं होती तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। अन्यथा ये तो बहुत पहले स्पष्ट हो चुका, करीब कई महीने पहले प्रधान गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुलकर कह दिया कि मैं आऊंगा। तो उसके बाद ये 75 और 74 और 76 ये कौन से गणित में लगे हैं, ये इसी में मैंने कहा ना, ये इसीलिए इनको ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं रहा सारा, क्योंकि इनको सिवाय राजनीति और वो भी गंदी राजनीति, घटिया राजनीति, गलीज राजनीति जिसमें देश हित कहीं है ही नहीं, ये केवल उसमें उलझे रहते हैं और उसका परिणाम ये भोग रहे हैं। बिल्कुल, और इनको परिणाम ये भोगना है। और ये डिटर्मिनेशन दिखाता है कि ये जिनको ये लग रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार यदि इनकी नहीं बनेगी तो ये सांसें रोक देंगे।